दोस्तों, इंसानों ने वैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी विकास कर लिया है और टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा भी उठा दिया है। लेकिन आज भी धरती पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिनका कारण बताना तो दूर, इंसान इतना भी नहीं बता पाता कि आखिर ऐसा वहां पर क्यों हो रहा है। और इन्हीं में से एक जगह है बरमूडा ट्रायंगल, और इस जगह ने न जाने कितने सारे लोगों की जान ले ली है और न जाने कितने सारे एरोप्लेन और जहाजों को अपने अंदर समेटे हुए बैठा है, और इसी कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा वहां पर क्या मौजूद है जो दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, लगभग 1492 के आसपास कोलंबस अमेरिका की तरफ जा रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने बरमूडा क्षेत्र की तरफ प्रवेश किया तो उनके जहाज के साथ काफी अजीब घटनाएं होने लगी, और उन्होंने ऐसा भी देखा कि आसमान में अलग तरीके की लाइटें जगमगा रही थी, और हालांकि वहां समुद्र में कोई भी हवा नहीं चल रही थी और उसके बावजूद भी लहरों में काफी उफान था। और जैसे ही उन्होंने बरमूडा क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनकी इन बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब अमेरिका के 5 जहाज रहस्यमय तरीके से वहां पर गायब हो गए तो ये बात फिर से चर्चा में आई। दिन था 5 दिसंबर 1945, और ये घटना फिर से चर्चा में आ गई थी जब अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से 5 एरोप्लेन एक साथ रवाना हुए थे। लेकिन कुछ समय बाद फ्लोरिडा हेडक्वार्टर्स में एक मैसेज मिला जिसमें मुख्य कैप्टन ये बता रहा था कि हमें हरा हरा पानी दिखाई दे रहा है और हम नहीं जानते कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और बादल भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। फिर इसके बाद फ्लोरिडा हेडक्वार्टर्स में कोई भी संदेश नहीं मिला, और शाम को फ्लोरिडा हेडक्वार्टर से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें उन्होंने एक प्लेन को उन 5 जहाजों को ढूंढने के लिए भेजा, और उसके 27 मिनट के बाद वो 5 एरोप्लेन तो मिले ही नहीं, बल्कि वो खोजी एरोप्लेन भी कहीं रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, और उसके बाद वो फ्लाइट 19 कहीं भी दिखाई नहीं दिया, ना समुद्र में ना ही आकाश में, जैसे वो प्लेन कभी मौजूद ही नहीं था। और ऐसे ही एक कहानी है USS साइक्लॉप्स की, जो लगभग सन 1918 में 300 लोगों को लेकर अमेरिका से इंग्लैंड की तरफ जा रही थी, लेकिन वो फ्लोरिडा और बरमूडा के बीच कहां गायब हुई आज तक कोई नहीं जान पाया। और ऐसी एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली ये बात है कि उन गायब हुए प्लेन्स और जहाजों का ना तो समुद्र में मलबा मिल रहा, और जो एरोप्लेन्स गायब हुए हैं ना ही उनसे कोई फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही। तो फिर आखिरकार वो गायब हुए प्लेन्स जाते कहाँ हैं? लेकिन उस 5 लाख वर्ग माइल्स के क्षेत्र में आखिर ऐसा क्या है जो हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है? और इन घटनाओं के पीछे काफी सारे ऑथर्स और साइंटिस्ट ने अपनी राय भी दी है, और इसके बारे में सबसे पहले एक अमेरिकी ऑथर केजार ने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसके कारण वो कंपास को खराब कर देता है, और साथ ही साथ वहां पर इलेक्ट्रिकल फॉग भी बन जाता है जो कि वहां से गुजरते हुए प्लेनों पर चिपक जाता है, जिनसे लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि वो आखिरकार किस दिशा में जा रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एक इतना बड़ा रहस्य भी नहीं है जितना उसे मीडिया वाले बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। लेकिन इस थ्योरी में कमी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने से वहां से लोग दिशा तो भटक रहे हैं, लेकिन उनका कुछ निशान तो मिलना ही चाहिए, या तो समुद्र में या तो कहीं और उनका मलबा तो मिलना चाहिए, मगर उनका मलबा आखिर क्यों नहीं मिल रहा? और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वहां पर ब्लैक होल है, जो कि सरासर बिल्कुल गलत बात है, और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वहां से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, या वहां पर कोई टाइम ट्रेवल पोर्टल मौजूद है जो कि इंसानों को एक समय से दूसरे समय में भेज देता है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वहां पर एलियंस रहते हैं जो कि धरती पे हमारी इंसानी सभ्यता को समझने के लिए वहां पे इंसानों को अगवा कर लेते हैं। और अब एक बिल्कुल नई थ्योरी आई है जिसमें यह बताया गया है कि वहां से प्लेन और जहाज गायब होना किसी और वजह से नहीं, बल्कि वहां बनने वाली 100 मीटर ऊंची लहरों की वजह से होता है, और ये लंबी लंबी लहरें ही इसका कारण है। लेकिन कौन सी थ्योरी कितनी सही है ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन आप सबकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि मैं आप तक ऐसी और भी रोमांच से भरी वीडियोस लाता रह सकूं, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।